हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्वार फली और आलू की मज़ेदार टेस्टी सब्ज़ी बनाएंगे। ग्वार फली बहुत ही पौष्टिक होती है। अगर आप आलू के साथ इस तरह से ग्वार फली की सब्ज़ी बनाएंगे तो बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। मैंने यहाँ 250 ग्राम ग्वार फली ली है और उसे पानी से अच्छे से साफ कर लिया है। ग्वार फली को ऊपर और नीचे दोनों साइड से हम थोड़ा पहले काट लेंगे। सभी ग्वार फली को हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने यहाँ एक टमाटर लिया है, टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। सभी ग्वार फली हमने यहाँ काट ली है छोटे छोटे टुकड़ों में। मैंने यहाँ दो आलू लिए हैं जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पानी में भिगो दिया है। मैंने कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ये मूंगफली का ऑयल है। आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अब हम इसमें सभी टमाटर जो कटे हुए हैं उसे डाल देंगे और उसी के साथ हमने जो ग्वार फली छोटे छोटे टुकड़ों में काटी थी वो भी हम इसी के साथ मिक्स करके रख देंगे। इसे हम 5 मिनट तक ऐसे ही चलाकर पकाएंगे जिससे कि हमारी ग्वार फली है वो अच्छे से थोड़ी पक जाए। अगर हम इसके साथ आलू मिलाकर पकाएंगे तो आलू हमारे बहुत ज़्यादा पक जाएंगे, इसलिए पहले हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहकर थोड़ा पका लेंगे। अब ये 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें सभी मसाले ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ नमक डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो हमारे कटे हुए आलू थे वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर लूँगी और फिर से सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब कुकर को बंद करके हम उसको 3 सीटी आने तक पकने देंगे। अब 3 सीटी हो गई है और हमारी ग्वार फली है वो अच्छे से पक गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैं अब इसको एक बाउल में डालकर सर्व करने के लिए रख लूँगी। स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक ग्वार फली और आलू की सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद हो तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।